फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ब्लाउज के बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए। तो देखिए, मैंने लाइनिंग पे कट कर लिया है और हमने ब्लाउज पे भी कट नहीं करा है। ब्लाउज हम बाद में कट करेंगे, पहले हम जो डिजाइन कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर सेम ड्राफ करके ब्लाउज पे। तो देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने इस तरह से 14.5 इंच है और ये हम 36 साइज का बना रहे हैं। तो डबल शोल्डर में 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारे जिसमें मार्जिन है। शोल्डर हमारे 6 इंच है, मुड्डी हमारे 6 इंच है, इसमें 1.5 इंच की गुलाई है। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच पे और इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए, यहां से 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं 1 इंच का इस तरह से गैप रखेंगे। देखिए इस तरह से। अभी हम इसे इस तरह से ओपन कर लेते हैं नीचे से 6 इंच ले लेंगे यहाँ पे नीचे। और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसमें 1 इंच अभी हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए सेम ड्राफ करके हम ब्लाउज पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। तो देखिए इसमें जो फिनिशिंग देंगे वो नेक पे इस तरह से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे और फिर यहाँ पे इस तरह से और फिर नीचे भी स्ट्रेट फिनिशिंग देंगे इसमें भी और सेम इसमें भी इसी तरह देंगे। ऊपर फिनिशिंग देंगे इस तरह से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिनिशिंग देंगे और यहाँ पे हम हुक वाइज की पट्टी बना देंगे सेम यहाँ पे भी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने नीचे ब्लाउज रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है और पूरा हमने देखिए पिन से सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, यहाँ पे सिलाई करेंगे फिर इस तरह से और नीचे तक हम सिलाई कर देंगे सेम यहाँ पे भी। देखिए इस तरह मैंने पूरे में फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पे हम आई की पट्टी बनाएंगे। तो हमने ये ब्लाउज की और लाइनिंग की पट्टी ले ली 3 इंच चौड़ी। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे आई की पट्टी बना दी और सेम तरह हमने यहाँ पे भी आई की पट्टी बना दी। अब दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लाइनिंग की 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से।
हमने यहाँ पे इस तरह से पट्टी लगा दी। अब इसमें हम एक गोल्डन कलर की पट्टी लगाएंगे। हमने एक गोल्डन कलर की पट्टी कट की है 3 इंच चौड़ी, और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से पलट लिए, और देखिए हम इस तरह से इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने क्रॉस में सिलाई कर ली, तो हमारा देखिए इस तरह से आ गई। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आएगा और बाकी हमारा इस तरह से स्ट्रेट जाएगा ऊपर तक। देखिए यहाँ पे हमने पट्टी लगा दी, और इस साइड हम ये लेस लगाएंगे गोल्डन कलर की। देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारे यहाँ पे गोल्डन कलर की इस तरह से पट्टी आई है, और यहाँ पे हमारी देखिए पूरे में लेस आई है इस तरह से, और यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी, ये हमारा बैक ओपनिंग रहेगा। और देखिए मैंने ये गोल्डन कलर की इस तरह से रेडीमेड बटन लगा दिया, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस तरह से ये सुंदर सा बैक ओपनिंग में ब्लाउज बना सकते हैं न्यू स्टाइल में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी को वीडियो